सो फाइनली आफ्टर स्ट्रगल ऑफ 3 डेज वी आर एट द समिट. अनफॉर्चुनेटली शाहरुख कुडंट मेक इट. एवरी वन इज कमिंग बैक फ्रॉम द समिट. एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट द समिट एंड आई एम द वन हु कुडंट रीच द समिट. गाइस बहुत बढ़िया, आप लोग अभी 12,500 फीट की ऊंचाई पर है. मजा आ गया, मौसम भी खराब था, हर चीज डिफिकल्ट था, बट आपने बहुत अच्छे तरीके से समिट किया. इसकी बहुत बढ़िया. हेलो गाइस, वेलकम टू राइडो माइल. सो फॉलो ऑफ यूर डूइंग वेल. सो लास्ट पार्ट में हम लोग पहुंचे थे केदारकांता बेस कैंप. वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा. सो इस पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि उतना ज्यादा खराब वेदर होने के बावजूद हम लोग समिट पहुंच पाते हैं कि नहीं. तो ये जानने के लिए आपको देखना होगा पूरा वीडियो. और अगर आप नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब राइडो माइस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. जिसको भी लगता है वो स्लो हो रहा है या थक रहा है वो प्लीज. सो टाइम इज 3:11 एंड वी आर लिविंग फॉर द समिट डिस्पाइट ऑफ द स्नोफॉल. चलो आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी. गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारकांता बेस कैंप. तो कल क्या हुआ था वो आपको शॉर्ट में एक बार बता देते हैं बस. रात 3 बजे हम लोग यहाँ से निकले थे समिट के लिए. हाफवे में एक टी स्टॉल था, वहाँ तक हम लोग पहुँच गए. वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और मौसम ख़राब हो रहा था, तो हम वो लोगों को बोल दिए कि तुम चले जाओ. सो दे वेंट फॉर द समिट. उसके बाद मौसम ख़राब हो चुका था, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो आई डिसाइडेड नॉट टू पुश फॉर द समिट. समिट बहुत ही ज़्यादा टफ है, तो हम समिट नहीं गए, वहाँ से वापस आ गए. 12,500 से बस 700 फीट नीचे थे. एनीवाइज समिट मेरा दोस्त लोगों ने कर लिया, तो आपको फ़ोटो ज़रूर दिखाएंगे. हे गाइस, सो फाइनली आफ्टर स्ट्रगल ऑफ 3 डेज वी आर एट द समिट. You can see the view. I can't tell how tough it was. Every moment we thought that we won't be able to make it, but fortunately we were able to do it. And unfortunately Shahrukh couldn't make it. But yeah, this is something else. बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया. आप लोग अभी 12,500 फीट की ऊंचाई पर है, मज़ा आ गया और बहुत तारीफ आपके लिए. कुछ कह नहीं सकते, कुछ शब्द नहीं है कि आपने समिट किया पूरा इतनी बुरी हालत में भी, क्योंकि मौसम भी खराब था, हर चीज़ डिफिकल्ट था, बट आपने बहुत अच्छे तरीके से समिट किया. इसकी बहुत
गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारकांथा बेस कैंप। तो आज रात को हम लोग को समिट जाने वाले थे, लेकिन निकले बट वेदर इतना ख़राब था नहीं जा पाए, सो वी केम बैक टू आर बेस कैंप। सुबह बेस कैंप कैसा दिखता है आपको एक बार दिखा देते हैं। ब्रेकफास्ट करने वाले हम लोग जाने वाले थे पिक तक जो है 12,500 और ये है 11,500। 1,000 फीट हम लोग नहीं चढ़ पाए आज, खराब लग रहा है बट ठीक है, फिर कभी हो जाएगा। हाँ, जो आप देख सकते हो वेदर कितना ख़राब है इस साइड में। आसमान में अगर हम फोकस करें तो आपको दिखाई देगा, आई गेस इस साइड का स्काई बिल्कुल क्लाउडी है और हम लोग का पिक इसी तरफ है। सो कोई तो चल गया समिट तक, बट आना बहुत मुश्किल होगा और इन केस वेदर कुछ खराब हुआ तो बहुत दिक्कत हो सकता है। एवरीवन इज़ कमिंग बैक फ्रॉम द समिट, एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट द समिट एंड आई एम द वन हु कुडंट रीच द समिट। कैसे था? बहुत बहुत बढ़िया, देख के लग रहे हैं बहुत बढ़िया। फट गई भाई, इट वॉज ऑसम बट वेरी चैलेंजिंग। एट वन पॉइंट वी ऑलमोस्ट थॉट दैट वी वॉन्ट बी अलाइव बट समहाउ वी मेड इट एंड इट वॉज नाइस, इट वॉज वेरी नाइस बट आई वॉन्ट डू इट अगेन। तो यहाँ से बेस कैंप से हम लोग दोपहर को लंच करके जाने वाले हैं हड़गांव। एनीवेज सो आज का प्लान यही है, अभी हम लोग आफ्टर लंच यहाँ से निकल रहे हैं हर गांव के लिए। तो जो वही अराउंड 2 आवर्स का ट्रेक है वो भी डाउनवर्ड्स, सो लेट्स गो। सो एज यूजुअल वी आर गोइंग टू बी द लास्ट 5 गाइज ऑफ द ग्रुप। ये दोनों जाके बनाए ये स्नोमैन, काफ़ी बढ़िया बनाया भाई, सही है। नीचे जाने का रास्ता काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है जाने में। तो भाई लोग है पीछे, हाउस द जोश भाई, वेरी लो। समिट क्लाइम करके आया है 2 घंटा पहले, अभी फिर से 1.5 घंटे का ट्रेक उन लोगों का लो तो होगा। चल
ये हर गाँव वाला रूट काफ़ी मज़ेदार है, पूरा डाउनवर्ड्स, उतना एफर्ट देने का ज़रूरत नहीं हो रहा है और पूरा बर्फ़ के बीच में से जा रहे हैं हम। अमेजिंग। एंड देन फाइनली हम लोग पहुंच गए हाड़गांव। सो ये पार्ट हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे मिलाएंगे हम लोगों का कुछ खास दोस्त और एक बहुत अच्छा वीडियोग्राफर। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ माई केदार गंधा ब्लॉग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू राइडो माइल्स।